हेलो स्टूडेंट्स, अब हम याद करेंगे ग्रुप 16 को सिंपल निमोनिक के साथ। तो सामने लिखा हुआ है उससे टेपो। आप अपने साइड वाले फ्रेंड से कहते हो भाई दिखाइयो, उसको नहीं आता कहेगा भाई उसको आता, उससे टेपो उससे टेपो। तो आपको ग्रुप 16 भी याद हो चुका है, उस से टेपो सबसे छोटा निमोनिक, सबसे इजीली याद हो गया ग्रुप 16। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता होगा। अगर मेरी माने 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर आप सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा, वो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। जैसे ऑक्सीजन सिंपल सा है, वैसे भी याद होता है 8, नहीं तो आप बोल के देख सकते हो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो कितना आ जाएगा 8। तो अगर आपको ऑक्सीजन का पता है तो आपको बाकी सब का भी पता है, मैजिकल नंबर्स। तो सल्फर का कितना आ जाएगा, 8 ऐड करोगे 16, 18 ऐड करोगे 34, फिर से 18 ऐड करोगे 52, 32 ऐड करोगे तो 84। देखा, सबके एटॉमिक नंबर हमने लिख लिए। उसके बाद आपको ग्रुप नंबर पता है, तो ग्रुप नंबर पता है इसका मतलब आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो या तो ये 2 गेन कर ले या 6 लूज कर दे, इजी क्या है 2 गेन करना, तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2। और वैलेंसी आपको पता है तो आप इनके फॉर्मूले बना सकते हो कंपाउंड्स के, जैसे कोई भी आपको, जैसे एग्जाम्पल ले लो कोई भी, आप इनका फॉर्मूला बना सकते हो। मान लो आपको कहे सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम की आपने ग्रुप 1 में याद की है, ऑक्सीजन की आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा Na2O। ऐसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम की भी 2, ऑक्सीजन की भी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 कॉमन आ जाएगा CaO। तो ऐसे आप किसी का भी फॉर्मूला लिख सकते हो अगर आपको वैलेंसी पता है तो, और वो आपको पता चल जाएगी, पूरा ग्रुप याद करोगे तब। तो हमने ग्रुप 16 भी याद कर लिया है एक सिंपल निमोनिक के साथ। अगर आपको ग्रुप 17 याद करना है तो नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।